अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पुलाव बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए मैं ले रही हूँ 4 कप चावलों के, उनको मैंने पकाने से 15 मिनट पहले ही भिगोकर रख लिए थे। चावलों में 1 होल चिकन डालूंगी, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और आधा नींबू, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 7 हरी मिर्चें, 2 टीस्पून नमक के और 1 टेबलस्पून शान बिरयानी मसाला। गरम मसाले में 15 काली मिर्च साबुत, 5 लौंग, 2 इलायची, 5 दालचीनी, 5 छोटी इलायची, 1/2 कप दूध का और 1/2 कप दही का, 2 तेज़पत्ते। और अब मैं आपको बताती हूँ चिकन पुलाव बनाना कैसे है। सबसे पहले पतीली में ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म कर ले। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसमें आप दालचीनी और छोटी इलायची डालकर फ्राई कर लें। हल्का सा फ्राई करके साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालकर थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद हरी मिर्च और चिकन को डालकर थोड़ा सा पकने दें। फिर इसमें हम नमक डालकर चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। के बाद हम इसमें नींबू का रस, गरम मसाला और 1 कप दूध दही को मिक्स करके डालेंगे। अब हम 6 कप पानी के डालेंगे क्योंकि 1 कप हमने दूध दही का डाला था। पानी डालने के बाद सफ़ेद ज़ीरा और शान बिरयानी मसाला डालकर पकने देंगे और जैसे ही पानी उबलता है तो उसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालकर पानी को खुश्क होने देंगे। जब पानी खुश्क हो जाता है तो उसमें 2 तेज़पत्ते और येलो कलर डालकर चावलों को दम पर लगा देंगे। अब देखें चावल तैयार है। चावलों को डिश में डालकर सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।